दोस्तों आज हम जानेंगे सादा कोड वाले लुटेरे के बारे में, यानी आज हम देखेंगे डॉक्टर कैसे हमें लूटते हैं। डॉक्टर को हर एक जगह से पैसे चाहिए, उनको पैथो लैब से पैसे चाहिए, दवाई से कमीशन चाहिए और एम्बुलेंस से भी पैसा चाहिए। आज के दिन कोई व्यक्ति अगर अच्छा लैबोरेटरी खोल देगा तो उनका लैब नहीं चलेगा, उनको डॉक्टर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। डॉक्टर इन लैब से 50% तक पैसा चार्ज करता है, कुछ डॉक्टर तो 60% तक पैसा चार्ज कर लेता है। इसलिए डॉक्टर पेशेंट को 4 से 5 फर्जी टेस्ट लिख देता है, इसलिए जहां टेस्ट का खर्चा 100 रुपए होने वाला था वो खर्चा 4 से 5 हजार चला जाता है। फिर आता है मेडिसिन का सेक्टर। मेडिसिन दो प्रकार के होते हैं, ब्रांडेड मेडिसिन और जेनेरिक मेडिसिन। जेनेरिक मेडिसिन बहुत सस्ता होता है पर काम बिल्कुल ब्रांडेड मेडिसिन जैसा होता है, पर डॉक्टर हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन रेफर करता है क्योंकि ब्रांडेड मेडिसिन में फार्मा कंपनी अपना मनमर्जी पैसा चार्ज कर पाता है। उस मेडिसिन का 30 से 40% कमीशन जाता है डॉक्टर के पास। इसका मतलब जहां दवाई का खर्चा 500 रुपए होने वाला था वहां दवाई का खर्चा 5 हजार रुपए चला जाता है। सबसे लास्ट में है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस वाला के साथ डॉक्टर का सेटिंग रहता है। एम्बुलेंस वाला किसी डॉक्टर के पास ले जाता है तो उनको अपना कमीशन मिल जाता है। ये डॉक्टर को हम भगवान सोचते हैं, लेकिन डॉक्टर अपने को भगवान से भी ऊपर मानता है। एक झटके में वो आपका जिंदगी भर का कमाई खा जाएगा, वो भी बिना शर्म किए। दोस्तों इस वीडियो से कुछ जानकारी मिले तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।